साझा अध्यापक मोर्चे ने सरकार की ओर से मांगों का भूल जाने के खिलाफ अगले संघर्ष का ऐलान कर दिया है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के विधानसभा क्षेत्र में होंगी विशाल राज्य स्तरीय रैली। तो जिहड़ा एजुकेशन वाला पार्ट आ उहदे विच दूजे नंबर ते ही आ कि जी डी पी का स्टेट की जी डी पी का 6% असी सिक्ख्या के विकास लई ते उहदे वाधे लई खर्चांगे। होया कि इहनां दा मंत्री जिहड़ा सिद्धू आ उह इह कह रिहा कि सिक्ख्या चों 6,000 करोड़ रुपया बचाउणा असीं इह कह रहे हाँ कि सिक्ख्या दे जिहड़ा खर्च हुंदा उह खर्च नहीं है, उह इनवैसटमेंट आ नवीं पीढ़ी नूं सिक्ख्या देण लई। सरकार यह समझती है भी खर्च आ, ये खर्च जिहड़ा इस करके समझती आ कि नवीं आर्थिक नीतियां दे तहत वो जिहड़े लोक कल्याण दे जिहड़े महकमे आ उहनां नूं अपने ते भार सरकार समझती आ भी वह खत्म कर देने आ। वह खत्म करके जिहड़ा पैसा आ लोकां दा खजाने च जांदा, गरीब लोकां राहीं खजाने जिहड़ा पैसा जांदा वह पैसा सरमाएदारां नूं लुटाना। दूजी गल जिहड़ी है लोकां नूं इक्को जिहे मौके देण लई जां इक्को जिही सिक्ख्या देण लई सिर्फ ते सिर्फ सरकारी स्कूलां राहीं दित्ती जा सकदी आ। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों बढ़ावा दिता होया कि जिहदे कोल पैसे होण वो अपने बच्चे पढ़ा लवे, जिहदे कोल पैसे होण वो अपने बच्चे की अपने परिवार की सेहत संभाल कर लवे, डाक्टरी सहूलतां लै लवे। स्कूल बंद 800 स्कूल बंद करन दा फैसला जिस दिन सरकार ने किया असी दूजे दिन ही समुचे उस तों बाद मिडल स्कूलों वल नूं वध रहे आ कि मिडल स्कूल बंद करने आ। कहण तों भाव लोकां नूं सिक्ख्या देण तों सरकार पिछे हट रही आ, जिहड़ा लोकां दा हक बणदा जे नवीं पीढ़ी नूं सिक्ख्या नहीं देनी तो फिर सरकार भी की करनी है। जे आपां जिहड़े सेहत सहूलतां प्राइवेट अदारियां ने लोकां नूं देणियां